सर लोगों के साथ धोखा हो रहा है। लोग कोर्सेज तो ले रहे हैं, और लोग कोर्सेज सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि यार ये बंदे का लाइफस्टाइल बड़ा सही है। उनको ये नहीं पता है कि एक कोर्स मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने शुरू में ही बोला कि यार पहले पता होना चाहिए कि हम कोर्स हमारे लिए है कि नहीं, बट लोग लुभावित हो जाते हैं सर उस लाइफस्टाइल पे, राइट, उसके स्टोरी पे, उसके इमोशनल स्टोरी पे, या फिर उसके लग्जरी लाइफस्टाइल पे। यस डेफिनेटली। तो लोग तो सर भोले भाले हैं, वो कैसे पता लगाएं कि हमें कोर्स किससे लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इंटरनेट पे जो कोर्सेज सेल करते हैं वो तीन टाइप के लोग हैं जो कोर्सेज सेल करते हैं। खुलासा होने वाला है। तीन टाइप के लोग। पहले बंदे तो वो, पहला तो वो इंसान है जो कोर्स सेल करता है जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड है उस चीज में जिसका वो कोर्स सेल कर रहा है। ग्रेट। यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है कि उस चीज में जिसका वो कोर्स सेल कर रहा है, राइट? जैसे कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हो, या ब्लॉगिंग कर रहा हो, या फिर और कोई चीजें कर रहा हो, राइट? तो उस चीज को उसने बहुत बार एक्चुअली किया हुआ है, काफी सालों से किया हुआ है, काफी डिफरेंट तरीकों से किया हुआ है, और शायद हो सकता है उसके बाद उसको समझ में आएगा सिस्टम कैसा चलता है। वो बंदा एक। दूसरा बंदा ये हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिस्ट हो, उसका मतलब है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग एक्चुअली क्या खरीदना चाहते हैं, क्या वो एक्चुअली डिमांड देखते हुए अपना एक कोर्स डिजाइन करेगा। कैसे करेगा? उसको कुछ नहीं मालूम है सब्जेक्ट के बारे में, वो इधर उधर पढ़ेगा, वीडियोस में देखेगा, और उन्हीं वीडियोस को अपनी लैंग्वेज में ला के कोर्स के रूप में कन्वर्ट करके डाल देगा। ये दूसरे टाइप का बंदा है, अपॉर्चुनिस्ट। ओके। तीसरा बंदा है जो बहुत ज्यादा एक्चुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, बहुत ज्यादा जिसके पॉपुलैरिटी हो, फेक लाइफ दिखा के फॉलोअर्स बढ़ा लिए। राइट। हाँ, फेक लाइफ वो भी एक बात है, लेकिन कोई भी बंदा हो जो कि फेमस हो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फेक लाइफ, मतलब कोई अच्छा ही बंदा हो। जैसे माहेश्वरी जी का एग्जाम्पल, महेश जी बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब यूट्यूब पे आए, उन्होंने एक्चुअली मोटिवेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, उस चीज में बहुत अच्छी नॉलेज है जिस चीज को के बारे में बताते हैं। लेकिन कल को मान लीजिए उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स निकाला, राइट? तो वो कोर्स क्या एक्चुअली तो उतना वर्थ रहेगा लोगों को खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिजिटल वो अपनी फेम को एक्चुअली भुनाना चाहते हैं। तो शायद अगर फोटोग्राफी में करते तो लोग देख, राइट, लोगों के लिए वर्थ होता क्योंकि वो फोटोग्राफी में मास्टर है, राइट? तो अगर बहुत ज़्यादा फेमस है तो अपनी फेम को बनाने के लिए मैं क्या कोर्स बनाऊँ, यार मेरे पास तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है एक्चुअली, कि मैं तो बहुत फेमस हूँ, मैं अगर कोई कोर्स लेके आऊँगा तो लोग तो लाखों खरीद लेंगे, तो इस चीज़ पे मैं कोर्स बनाता हूँ, मैं चलो इसको पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद एक कोर्स बना दिया और मैंने डाल दिया भैया कि मैंने अभी कोर्स क्रिएट किया, खरीदो। अगर तू ये कोर्स सेल कर रहा है तो तुझे इस बात के बारे में हर चीज मालूम है क्या? नहीं ना, पॉपुलर है, कुछ भी कोर्सेस थोड़ी सेल कर सकते। तो ये तीन टाइप के लोग होते हैं, तो उसमें से जो पहला बंदा है उससे कोर्स लेना चाहिए, वो सही है, अगर वो उसी चीज में कोर्सेस सेल कर रहा है जो इसके बारे में